अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए बॉडी शॉप की एक और प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आई हूँ, विच इज़ कॉल्ड ऑल्स ऑफ लाइफ रिवाइटलाइजेशन एसेंस लोशन। बॉडी शॉप के इस एसेंस का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि एसेंस बेसिकली होता क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं दैट आर स्किन इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स। जब आप एसेंस यूज़ करते हैं तो ये आपकी स्किन की इनर मोस्ट लेयर तक जाके वर्क करता है। अगर आपकी स्किन में कोई रिंकल्स हैं, अनइवन स्किन टोन है, ये उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। उसके अलावा ये आपकी स्किन की इनर मोस्ट लेयर तक जाके आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत स्मूथ और प्लम्प हो जाती है। अब ये सब डिपेंड करता है कि आप किस ब्रांड का एसेंस यूज़ कर रहे हैं और उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं। मैंने खुद पर्सनली बॉडी शॉप का ये एसेंस यूज़ किया है और इसको यूज़ करते हुए मुझे 8 मंथ्स हो गए हैं। जैसा कि आप बॉटल से देख सकते हैं, ओनली 1/4 बॉटल इज़ लेफ्ट। ये एसेंस वाटर प्लस ऑयल बेस्ड है। इसमें आपके थिन सी एक ऑयल की लेयर भी होती है। मेरी स्किन पे ये एसेंस बहुत सूट किया है, दैट्स वाई आई एम गिविंग यू रिव्यू अबाउट दिस प्रोडक्ट। अगर आपको वाकई से गुड रिजल्ट्स चाहिए तो यू हैव टू यूज़ इट रेगुलरली ऑन डेली बेसिस आफ्टर यूजिंग द टोनर। स्किन केयर रूटीन में सबसे पहले आप क्लिनजर यूज़ करेंगे, उसके बाद टोनर यूज़ करेंगे, देन आफ्टर यूजिंग द टोनर यू कैन यूज़ दिस एसेंस। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किस स्किन टाइप की गर्ल्स ये एसेंस यूज़ कर सकती हैं। मेरी अपनी स्किन ड्राई है, मैंने इसको यूज़ किया और मेरी स्किन पे बहुत सूट किया है। इट इज़ वाटर बेस्ड ऑयल एसेंस, तो ये अगर आपकी ऑयली स्किन है तो वो भी यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टिकी फीलिंग नहीं देता। ये एसेंस बहुत ही इंस्टेंटली आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। बिकॉज इट्स अ वाटर प्लस ऑयल बेस्ड एसेंस, तो आपने यूज़ करने से पहले इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से शेक कर लेना है। अब मैं इसके फ्यू ड्रॉप्स आपको अपने आर्म पे लगा के दिखाऊंगी। जैसे मैं इसको अपने आर्म पे लगा रही हूँ, आपने इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है। इसकी बहुत ही लिटिल क्वान्टिटी यूज़ होती है और आपका पूरा फेस कवर कर लेती है। जस्ट मैंने इसके 2 ड्रॉप्स लिए हैं और मैं इसको अपने आर्म पे लगा रही हूँ। अब आप देखेंगे कि कैसे इंस्टेंटली ये मेरी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा। जब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये स्किन में अब्जॉर्ब हो गया, देर इज़ नो स्टिकी फीलिंग, कोई स्टिकी फीलिंग नहीं आ रही, बिल्कुल स्किन में अब्जॉर्ब हो गया। और मेरा आर्म का ये पार्ट जहाँ पे मैंने लगाया है, कितना शाइनी सा, स्मूथ और सपल सा हो गया, ये इसकी इनर लेयर तक जा चुका है। जैसा कि आपने अभी देखा है कि ये इंस्टेंटली आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है, तो जो ऑयली स्किन गर्ल्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा उनको सूट करेगा। जब आप मेकअप करते हैं तब भी इस एसेंस को यूज़ कर सकते हैं अंडर द फाउंडेशन बिफोर यूजिंग द प्राइमर। मॉइस्चराइज़र का भी आप यूज़ कर सकते हैं या आप ये एसेंस यूज़ कर लें। मॉइस्चराइज़र बेसिकली आपकी स्किन की अपर लेयर तक वर्क करता है। एसेंस लगाने का आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी इनर लेयर तक जाके वर्क करेगा। जिन गर्ल्स की एक्ने प्रोन स्किन है या जिनको ब्रेकआउट का इशू है, उनके लिए भी ये एसेंस बहुत अच्छा है। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जिनकी ऑयली स्किन है और एक्ने प्रोन स्किन है, उन्होंने यूज़ की है, उनका भी रिव्यू बहुत अच्छा है इस प्रोडक्ट के बारे में, उनको भी ये एसेंस बहुत सूट किया। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि अगर आप इस एसेंस को रेगुलर बेसिस पे डेली यूज़ करेंगे तो आपको इससे फ़ायदा होगा। अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ नहीं करें तो आपको इससे उस तरह से बेनिफिट नहीं होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसमें कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट शामिल है जिसकी वजह से ये आपकी स्किन के लिए इतना हेल्पफुल है। बॉडी शॉप ने 3 डिफरेंट कंट्रीज से 3 डिफरेंट ऑयल्स लिए हैं जो कि उन्होंने इस एसेंस में यूज़ किए हैं, जिसमें से पहला ऑयल है ब्लैक क्यूमिन सीड ऑयल, दैट इज़ यूज फ्रॉम इजिप्ट। सेकेंड ऑयल इज़ कैमिलिया सीड ऑयल, जो उन्होंने चाइना से लिया है। एंड द थर्ड वन इज़ रोज हिप ऑयल फ्रॉम चिले। ये तीनों ही नेचुरल और ऑर्गेनिक ऑयल्स हैं जो कि उन्होंने इस एसेंस में यूज़ किए हैं। जिन गर्ल्स को ओपन पोर्स का इशू है, अगर वो इसको रेगुलरली डेली बेसिस पे यूज़ करेंगी तो उनके लिए भी ये एसेंस बहुत बेनिफिशियल है। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि मुझे ये एसेंस यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 8 मंथ्स हो गए हैं, तो इस एसेंस को मैंने विंटर्स में भी यूज़ किया और समर्स में भी यूज़ किया है। अब जिन गर्ल्स की स्किन ड्राई है, समर सीज़न में ये एसेंस उनके लिए बहुत अच्छा है। They don't have to use any extra serum or any oil with it. और अगर dry skin girls इसको winter में use करना चाहती हैं तो मैं suggest करूँगी कि आप इसके साथ
बॉडी शॉप का जो ऑयल्स ऑफ लाइफ का ऑयल आता है वो यूज़ कर लें या कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लें, क्योंकि विंटर में यूजुअली ये होता है कि जिन गर्ल्स की स्किन ड्राई है वो एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है। तो इस केस में अगर आप इसके साथ कोई अच्छा ऑयल या मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे तो ये आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। अब इसकी हम प्राइस की बात कर लेते हैं। ये 160 ml की बॉटल में आते हैं जो कि आपको 24 US डॉलर्स में मिल जाती है, और अगर हम पाकिस्तानी रुपीस में बात करें तो ये आपको अराउंड 4500 रुपीस तक मिल जाएगी। ये बॉटल अगर आप एक दफ़ा परचेज करते हैं तो ईजिली आपकी 8 to 9 मंथ्स तक बॉटल यूज़ हो सकती है, क्योंकि जस्ट आपने इसके 2 ड्रॉप्स यूज़ करने होते हैं और ये आपके इंटायर फेस को कवर कर लेता है। जी व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उसके साथ जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।